हेलो गाइस, दिल्ली पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको एक नुस्खा बताने वाले हैं कबूतर दौड़ाने का, कबूतर आपका कैसे आगे जाएगा, आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो आज हमारे अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं, तो आपको ये कुछ नुस्खा बताएंगे कबूतर आगे निकालने का। तो आप लोग देख सकते हो अब्दुल्ला भाई, ये क्या क्या चीज है? ये इलायची के दाने। इलायची के दाने, और क्या है? और ये दखनी मिर्च है। सात दखनी मिर्च, और चार कबाबी मिर्च हो गई, और ये दालचीनी भी है। दालचीनी तो है नहीं, कबाबी मिर्च है। और ये क्या भाई हाथ में? ये इसको बोलते हैं बड़ी पीपल। तो आज आप पानी बनाने वाले हो कबूतर को आगे निकालने के लिए, हैं? ये मुराइटी हो गई या आमल्दी हो गई? मुराइटी, आमल्दी। तो ये कितने आइटम हो गए? ये हो गए एक दो तीन चार पाँच छह आइटम है। तो आज आप इनके कितने कितने हिस्से लगाने वाले हो? ज्यादा नहीं, 30-30 हाथ लगेंगे, ज्यादा नहीं। 30-30 हाथ, ठीक है। तो आपका कबूतर तो अभी रंगत में चल रहा है? ये तो रोक दिया था। अच्छा, लेकिन हवा नहीं चली इस बार फरवरी में, जो हवा चलनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन अब 20 तारीख के बाद हवा छूट गई। हाँ, तो दोबारा से मूंड बन गया कबूतर आगे निकालने का। तो भाई अब आपको लगा के दिखाएंगे। ये में इतना मजा नहीं जितना दौड़ाने में मजा है। अच्छा अच्छा, तो आज ये आपको दिखाएंगे कबूतर, और ये काली मिर्च है, आगे निकालने का और कैसे घिसा जाएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहे, ये आपको घिस के भी दिखाएंगे कि कैसे घिसा जाएगा, कैसे कैसे कितने कितने घिससे कौन कौन सी चीज के लगने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू है, तो आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे लगेंगे और कैसे कैसे कौन सी चीज घिसी जाएगी। तो अब्दुल्ला भाई करो कार्रवाई और दिखाओ हमारे व्यूवर्स को कि कैसे करा जाएगा। ये भाई वीडियो उस्ताद खलीफाओं के लिए तो है नहीं, क्योंकि वो तो भाई उन्हें तो सब पता ही है। ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे किसी तालीम से नहीं है और खेल पानी नहीं जानते, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है भाई। तो भाई आप लोग देखो ऐसे भी कर सकते हो, सिल पे लेकर और इसका चूरा भी बना सकते हो, और अगर घिस्सा मारना चाहो तो घिस्सा मार के भी अभी दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन सालम भाई, जो हाथ से पीसने में मजा, वो मिक्सी में नहीं आता। हाँ, ये देखो जी, ये ऐसे आप लोग ऐसे भी इसका चूरा बना सकते हो। अच्छा उड़ता है। अच्छा, और हवा पकड़ के कबूतर पकड़ के ही जाता है, मतलब हवा का ही खेल होता है सारा ही। अच्छा, हवा हुई तो कबूतर इस खेल में निकल जाएगा। निकल जाएगा, काम करके आएगा, मेहनत सफल हो जाएगी जो आप करना चाह रहे हो। तो कल हवा होनी चाहिए। हाँ, कल हवा होनी चाहिए, तो ये खेल असर दिखाएगा। हाँ, बिल्कुल असर दिखाएगा। तो भाई ये देखो, आप देख सकते हो ये घिसाई चल रही है इसकी। तो अभी से आप पानी में मिला दोगे? हाँ जी, पानी मिला देंगे। ये देखो आप, बिल्कुल ये बिल्कुल पाउडर जैसा चूरा हो गया है। इसको एकदम पाउडर कर ले। अच्छा, तो ये बिल्कुल पाउडर हो चुका है भाई। आप तो अब्दुल्ला भाई, अब ये इसमें मिलाएंगे और इसके बाद लगाएंगे घिस्से, और घिस्से किस किस चीज के लगाएंगे, उनकी क्या क्या तासीर है, उनके क्या क्या फायदे हैं, ये भी आपको बताएंगे। देखो ये तो है आमल्दी। अच्छा, इससे तो कुंदे हल्के होते हैं, बाहरी पनल का हो जाता है, ठीक है। इसके भी ज्यादा नहीं, 30-40 हाथ 50 हाथ मार ले। अच्छा, और ये होता है मेन अगर करा, ठीक है। ये जो कबूतर जब दौड़ता है, हवा छूटने पे ही लगाए इसको, बिना हवा पे खेले ही नहीं इस चीज को।
अच्छा, क्योंकि ये चीज जो अगर कराए है, ये जब लगाते हैं इसको ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 हाथ मार लें इसके, ज्यादा नहीं, सिर्फ हवा छूटने पे खेलें इसको, विदाउट ये यूज ही ना करें बिना हवा पे। और इस चीज का ये नुकसान है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये एक तो जब कबूतर दौड़ता है, दौड़ने पर चोंच नहीं खोलेगा, चोंच खोलेगा तो अंदर हवा जाएगी, ठंडा रहेगा, मतलब जो भी बहरहाल ये है अगर करा। और ये मुलाइटी है, अच्छा, इसके भी बहुत फायदे, ये गला वाला जैसे कबूतर खराश वराश हो जाती है तो उसके लिए फायदेमंद होता है, ठंडा रहता है। ये है छोटी पीपल, बड़ी पीपल सॉरी, और ये है हाड़, हाड़। तो आप इसके जो मैंने घिसा है या इसमें मिला रहे हो, तो भाई ये इन्होंने जो घिसा था, मामला कूटा था, वो इन्होंने पानी में मिला दिया है। जो जो आइटम आपको बताई थी हमने, ये ऐसे करके पानी में मिला दो, बिल्कुल पाउडर बनाकर, बिल्कुल पाउडर बना दिया था इन्होंने और ये पानी में मिला दिए। अब ये मारेंगे इनके घिस्से जो इन्होंने बताई है, मुरेटी, आम हल्दी, बड़ा पीपल, हड़ और अगर करा। तो भाई इनके फायदे भी आपको बताए कि देखो, आम हल्दी जो होती है, आम हल्दी और मुरेटी घिसने से कबूतर के कुंडे सीने जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। और कबूतर जब दौड़ता है ना, अगर कबूतर का कुंडा सीना हल्का है, कबूतर उतनी ही गहराई करता है। और दूसरी जो आपको बताई थी अगर करा, तो भाई अगर करा का क्या है, कबूतर जब दौड़ता हुआ होता है ना, तो कबूतर जो चोंच खोलता है, तो अगर करा क्या होती है, उसके अंदर जो उसका जीभ होती है ना, उसमें हल्की हल्की मिर्चें सी लगती हुई होती है। कबूतर जब अपनी चोंच खोलता है तो उसको हवा अच्छी लगती है ठंडी, तो कबूतर घुसा चला जाता है, पट होकर घुसा चला जाता है। तो भाई इन सब चीजों के फायदे भी हमने आपको बताए। अब लगाएंगे इसके घिस्से। तो ये क्या घिस रहे हो अभी अब्दुल्ला भाई? अब ये अगर कराए, अगर कराए तो भाई अगर करा जो होती है बहुत मामूली सी घिसी जाती है, ज्यादा ना घिसे, 10 से 15 घिस्से लगाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। कबूतर का छोटा सा दिमाग, दिल जो होता है कबूतर का, बहुत मामूली सा होता है। तो भाई ये चीजें ज्यादा ना घिसे, उसे नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये इसके ज्यादा घिस्से नहीं भाई, बस अब ये लगे घिसेंगे आम हल्दी। आम हल्दी के आप घिस सकते हो 30 से 35 40 घिस्ते, जो भी मारना चाहो, क्योंकि ये जो होती है आम हल्दी, तो भाई जितना कबूतर हल्का होगा, कुंडा सीना हल्का होगा, कबूतर उतनी ही गहराई करेगा, उतना ही अच्छा उड़ेगा। ये तो आप रोज भी लगा सकते हो कबूतर को, अगर आप उड़ा रहे हो, लड़ैया कर रहे हो, दौड़ैया कर रहे हो, तो ये तो आप रोज कंटिन्यू रख सकते हो। इसके तो फायदे ही फायदे हैं भाई। तो अब इसके बाद क्या घिसोगे अब्दुल्ला भाई? इसके बाद घिसेगी मुलाइटी। अब इसके बाद मुलाइटी घिस जाएगी, आम हल्दी मुलाइटी आप रोज खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में तो भाई मुलेटी लोग ज्यादा से ज्यादा रोज ही खेलते हैं मुलेटी। ये तो इंसान भी यूज कर सकता है अपने लिए भाई, खांसी वासी हो किसी को, मुलेटी चाप लो, खांसी गायब। इसके तो भाई आयुर्वेदिक फायदे हैं। अब ये क्या किस रहे हो भाई? मुलाइटी। ये मुलाइटी किस रहे हो अभी? ये भाई मुलाइटी किसी जा रही है अभी। अब क्या किसोगे? बड़ी पीपल किसी आएगी। तो भाई वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे पानी तैयार होगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे नुस्खे और ऐसी ऐसी कबूतर भाई से रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।